हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब एक बार फिर शुरू करते हैं बंगाल की खबर का। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद बंगाल का सियासी पारा हाई हो गया है। ममता बनर्जी पर कथित हमले के खिलाफ टीएमसी चुनाव आयोग पहुंच गई है, तो बीजेपी ने भी मांग की है कि इस मामले में जांच हो और सच क्या है वो सबके सामने जल्द से जल्द आए। ममता बनर्जी इस बीच आरोप लगा रही हैं कि उन पर हमला हुआ है, तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि ये ममता बनर्जी का चुनावी स्टंट है। नंदीग्राम में एक और टीएमसी और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसी गहमा गहमी के बीच आज शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में एक के बाद एक मंदिरों के दर्शन करने वाले हैं, दर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। कल ममता बनर्जी जिन मंदिरों में पहुंची, जिस शिव मंदिर में पहुंची, आज शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में उसी शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। बंगाल के चुनाव में मंदिर मंदिर की सियासत इस वक्त अपने चरम पर है। कल शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में हनुमान मंदिर के दर्शन किए, तो आज भी वो एक के बाद एक भगवान के दर पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आज उन्होंने पहले देवी माँ के मंदिर जाकर मत्था टेका, फिर वो शिव मंदिर पहुंचे, जल चढ़ाया। इंडिया टीवी संवाददाता अर्चना सिंह भी मौके पर मौजूद हैं, देखिए उनकी एक रिपोर्ट। शुभेंदु अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, मंदिर में पहुंच गए हैं, रेवाड़ा के शिव मंदिर में। यहां पे वो मंदिर के बाहर रुके हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद अब वो अंदर जा रहे हैं। यहां के लोगों से एक तरह से मिलना भी उनका मकसद है, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो आसपास कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये तय है कि ये एक चुनावी कार्यक्रम की तरह ही देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव में हर चीज का सांकेतिक मतलब जरूर होता है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वो हर साल शिव मंदिर में शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाते हैं और इसीलिए वो आज यहाँ पर आए हैं। इस वक्त वो इस मंदिर के अंदर गए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाहर बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा का भजन हो रहा है, कहीं ढोल बज रहे हैं, उनके तमाम समर्थक हैं। लेकिन कल ममता दीदी के साथ जो हादसा हुआ, जिसे वो हमला कह रही हैं, वो इस राजनीति को एक अलग रूप दे रहा है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी कटाक्ष भी कर रहे हैं ममता बनर्जी पर, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ठीक से चंडी पाठ नहीं किया, इसीलिए शायद ये हादसा हो गया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।